स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। यहाँ पर यूपी टेट के लिए संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी 9 प्रश्नों पर आपत्ति है। तो यहाँ पे अब अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो 9 प्रश्न हैं और इसके बाद और क्या हो सकता है, ये सब बताएं। उससे पहले चलिए आपको पेपर कटिंग दिखा दें। तो इसके लिए आने वाली पेपर कटिंग आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर हेडिंग है कि 9 प्रश्नों पर आपत्ति, कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर ये पेपर कटिंग है 2 दिसंबर की। यहाँ पर इस पेपर कटिंग में दिया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार को जो संशोधित आंसर की जारी हुई है, इसे देखते हुए परीक्षार्थियों का विरोध और बढ़ गया है। क्योंकि परीक्षार्थियों का मानना था कि जब संशोधित उत्तर कुंजी आएगी तो उसमें सारे क्वेश्चन सही कर दिए जाएंगे, लेकिन जब संशोधित उत्तर कुंजी आ गई और उसके बाद 9 से 10 प्रश्नों पर अभी भी आपत्ति है, तो इसे देखते हुए अभ्यर्थियों में रोष और बढ़ गया है। अभ्यर्थियों का मानना यह है कि अब हो सके कि इसके बाद कोई संशोधित उत्तर कुंजी ना आए। तो अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थियों के सामने बस एक ही रास्ता बचा है, वो है कोर्ट का। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति है। इसके पहले आपको बता दें कि अब सरकार ये कहेगी कि आज कल के जो अभ्यर्थी हैं किसी भी भर्ती प्रक्रिया को होने नहीं देते हैं, चाहे वो कैसी भी प्रक्रिया हो। लेकिन सरकार अपने आप को नहीं देख रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संशोधित उत्तर कुंजी होने के बाद भी 9 प्रश्नों पर आपत्ति है। और इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी है व्यायाम प्रशिक्षक की, इसमें भी 2 बार संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे आयोग में इतनी गड़बड़ी है कि 2-2 उत्तर कुंजी जारी करने के बाद भी आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के कंडीशन में अभ्यर्थियों के सामने एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का। तो ये सब होता रहेगा। चलिए हम आपको बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रश्नों पे आपत्ति है। यहाँ पे आप 9 प्रश्न देख पा रहे होंगे। कौन ह्रस्व स्वर नहीं होता, दृश्य और अदृश्य की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, कोलर को यह सिद्ध करना चाहता है कि, यही है। अगर आप ये पेपर कटिंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से जाके इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ये पेपर कटिंग पढ़ना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।